would like to start by introducing our chief guest, Honorable Mr. Justice A.R. Masoodi of Allahabad High Court, also the senior judge of the Lucknow bench and an eminent member of the administrative committee, to our gathering. Before the starting of the convocation ceremony, when I was taking a brief from our Honorable Chairman, sir, मुझे Honorable Justice Masoodi sir के बारे में कुछ रोचक बातें पता चली और आप सभी के साथ उनमें से कुछ बातें मैं साझा करना चाहूँगी. एक शेर है, कहते हैं जो आला ज़रफ होते हैं. By the way, do you understand who आला ज़रफ is? आला ज़रफ मतलब जो लोग बहुत ही ऊँचे पद पे होते हैं. तो कहते हैं जो आला ज़रफ होते हैं वो ज़रा झुक के मिलते हैं. सुराही भी सरनगु होती है पैमाना देखकर. तो कुछ ऐसा ही शेर याद आता है जस्टिस मसूदी सर को देखकर, जो कि इतने आला ज़रफ होकर भी इतने सहज और इतने विनम्र हैं. इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद मसूदी सर की सहजता और उनकी विनम्रता उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है. सर को देखकर मैं आज बच्चों के सामने बोलना चाहूँगी कि ये बात सच साबित होती है कि इंसान के व्यक्तित्व के जो सद्गुण हैं और इंसानियत है, वो किसी डिग्री या किसी किताब से नहीं आते, पर उनके संस्कारों से आते हैं. सर कश्मीर से हैं, जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा. जाहिर सी बात है कि तहजीब और नज़ाकत से परिपूर्ण और हमेशा हंसमुख रहने वाले हमारे सर और हमारे स्टूडेंट्स की मेंटोरशिप के प्रति हमेशा ही कमिटेड रहते हैं. Justice A.R. Masoodi sir has taken the time out to be here with all of us today, and for that we are very grateful towards you, sir. And now it's a matter of privilege for me to request our chief guest, Honorable Justice Masoodi sir, to kindly enlighten our students and this august gathering with his words of inspiration and transformation. Thunderous applause, round of applause for our chief guest, Honorable Justice A.R. Masoodi sir. Everyone, I want a thunderous applause in the hall. Sir, I would request you to join us at the podium and kindly address our students. All the dignitaries who are sitting on the dais have a long history to their credit. Having associated with this institution, you people must have already known about the achievements that they have made in their lives and the values delivered to the society at large. कुछ ही दिन पहले यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स मेरे पास आए कि कुछ इस इंस्टीट्यूशन में कन्वोकेशन का फंक्शन आयोजित होने जा रहा है. थोड़ी सी हम लोगों के ऊपर पाबंदी है कि कहीं हम किसी ऐसी जगह न चले जाएं जहाँ कोई इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में आ जाए और हम लोगों से कोई चूक हो जाए, भावनात्मक चूक. उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ी देर मैंने सोचा, लेकिन मैंने फिर अपने अतीत को भी देखा कि जो व्यक्ति मुझे आमंत्रित कर रहा है उसको तो मैंने निजी जीवन में बहुत ही निकट से देखा है. विभिन्न रूप में भी देखा है, अच्छे दिनों में भी देखा है और बुरे दिनों में भी देखा है. वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत बुरे दिन देखने के बावजूद समाज के लिए वो मार्गदर्शक बना और आज वो इस इंस्टीट्यूशन को चला रहा है और शिक्षा प्रदान कर रहा है यंग जेनरेशन को.
इससे उचित क्या उसकी मिसाल हो सकती है मैनेजमेंट की, किसी इंस्टीट्यूशन की, कि एक 62 साल की आयु के व्यक्ति को आप यहां आमंत्रित करें, उसको 3 काजू 2 बादाम खिलाएं और एक पकौड़ी भी, एक कॉफी भी पिलाएं और कहें कि 2 घंटे आपको खड़ा रहना है। अगर कोई मैनेजमेंट इतनी पगार पे इतनी मेहनत किसी व्यक्ति से ले सकता है, निश्चित रूप से उसका जो स्टूडेंट होगा वो समाज में कुछ निश्चित रूप से लाभान्वित की काम करेगा। हर व्यक्ति अपना जीवन कहीं से आरंभ करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या है? नेचर ने हमको रोशनी का कुछ समय आधा दिया है और आधा अंधेरे का है। कभी हमारा ख्याल यह था कि आधा अंधेरे का समय आराम के लिए, आधा रोशनी का समय काम के लिए। अब हमारे पास जितना समय निश्चित है, वी हैव अ स्केल ऑफ टाइम ऑन विच यू हैव टू टेस्ट योर लाइव्स। द प्रायोरिटीज ऑफ लाइव्स हैव टू बी टेस्टेड ऑन दिस स्केल ऑफ टाइम विच इज अवेलेबल इन योर लाइफ। मैनी थिंग्स हैव कम एंड मैनी थिंग्स हैव गॉन। The life goes on and the journey of life, the education, the development, this whole activity, this whole education, this whole research, this whole management, it has a purpose. The purpose is an order. If we are 150 people or 200 people sitting in this room, अगर हम खड़े होके एक दूसरे का दर्शन करेंगे तो शायद अव्यवस्थित लगेंगे। हम जब बैठे हुए हैं और लाइन में बैठे हुए हैं, ये मैनेजमेंट है, इसका एक रूप निखर के आता है। ये हम लोग जानते हैं कि अब हमारी यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस में हमारे देश की भी एक मान्यता है, जिस देश के हम नागरिक हैं। जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, मैं एक आपके मैनेजमेंट को एक दिशा की तरफ ले जाके एक अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वहां लाके खड़ा करना चाहता हूं। इसके लिए हर आदमी विभिन्न बैकग्राउंड से आता है, आपस में इंटरसी कंपटीशन है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको शिक्षा प्राप्त करने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत कठिनाइयां होंगी। मैं भी जब घर से चला था शिक्षा के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कश्मीर से आके किसी दूसरे शहर में मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मैं रहूंगा कहां, मेरी फीस कैसे दी जाएगी, मेरा हॉस्टल का खर्चा क्या होगा। ये जब बच्चा एक गांव से शहर की तरफ शिक्षा के लिए रवाना होता है, माता पिता को उससे अलग होने की अलग चिंता होती है, जिम्मेदारी अलग होती है। लेकिन जब वो बच्चा शहर में आता है तो मैं आपको एक बात अगर बताऊं तो आपको शायद हृदय के छू जाएगी। जब एक गांव से एक बच्चा शहर की तरफ आता है तो इसकी आबादी देख के, इसकी गलियां देख के वो बड़ा भयभीत हो जाता है, उसको रास्ते याद नहीं रहते। वो सुबह अगर एक सड़क पे चलते हुए
जिसको हम अब रेस्टोरेंट कह सकते हैं, अगर एक चाय बनाने वाले के पास जाता है तो वो रास्ते में अपने निशान चिन्हित करता है कि मुझे इस रास्ते से जाके इस चाय वाले के पास जाना है, तब मैं सुबह के पास पहुंच के वहां चाय पीऊंगा। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ, शुरुआत में गांव का था, मैं रास्ते चलते चलते जैसे कोई एक चाय की दुकान है, एक बार ऐसा हुआ जैसे कि कोई स्टोव, उस वक्त चलते थे आपको स्टोव से चाय बनानी होती थी, खाना बनाना होता था, उसमें एक पिन जब तक आपके पास नहीं होती थी तो स्टोव आसानी से जलता नहीं था। वो पिन कहीं एक खास दुकान पे मिलती थी, उसको आपको ढूंढना पड़ता था। ऐसे ही कभी कभी ढूंढते आप, जैसे ऐसा हो जाए कि आप पिन वाली दुकान को एक बार देखे और आपको याद रखना है रास्ता, और मान लीजिए आपको जल्दी ही आना है, आप गए और आपने पैसे भूल गए। जैसे हुआ कि वहां पे जैसे गाय खड़ी है, आपने देखा कि इस दुकान के सामने गाय खड़ी है, अब वापस आए और फिर आप वापस लौट गए कि आप मुझे पिन लेके आना है, पैसे लेके आए हैं आप, देखा तब तक कि गाय वहां से चल दी थी, तो आप रास्ता ही भूल गए। फिर आपको पूछना पड़ा कि वो पिन वाली जो है जहां से मुझे स्टोव की लेनी है, ये कहां से मिलेगी। ये एक जमाना था, आज वही रास्ता ढूंढने के लिए आपके पास गूगल है। कैन यू इमेजिन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। देयर वॉज अ टाइम व्हेन यू हैड टू वॉक ऑन फुट, यू हैड टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स, you used to program your mind, how much was the burden upon your mind, it was sea large. But today with the aid of artificial intelligence many things have become easier. But I may caution you, of late I have been attending many programs where promotion to artificial intelligence is being maximized. I am somehow skeptical about it. आज जिस वक्त आपको डिग्री हम दे रहे थे, वो एक पेपर पे थी लिखी हुई एक डिग्री आपने। उस कागज को जिस वक्त मैंने आपके हाथ से छुआ, मैंने आपके एहसास को अंदर से, हर एक उस बच्चे को कि उस डिग्री का वो वैल्यू अंकलित कर रहा था, कभी इस तरह से कि किससे वो ले रहा है, कभी इस तरह से कि किस इंस्टीट्यूशन का उसके अंदर नाम लिखा होगा, कभी वो कल इसको अपनी दीवार पे लगाएगा, वो इसको एक मेमोरी के रूप में याद रखेगा। इसमें एक भाव है एक दूसरे को जानने का, इसमें एक हृदय की भावना है। यही डिग्री आपको अगर ये कह दिया जाता, कल जिस वक्त स्पेस कम हो जाएगी, क्लासरूम्स कम हो जाएंगे, या मान लीजिए ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हमको किसी जगह शिक्षा के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए कोई अड़चन होगी, तो यही चीज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको डिजिटली ट्रांसफर करें, क्या उसमें इतना अच्छा लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सेंसिटिविटीज को, हमारी जरूरत के कॉस्ट पे, हमारी भावना को हमसे छीन रहा है। आपको मैनेजमेंट के साथ ये बड़ा ध्यान रखना होगा। यू आर द पीपल हु आर डीलिंग इन मैनेजमेंट, नोबडी एल्स कैन थिंक ऑफ दिस। Please try to manage the affairs of the society, the affairs of the nation in a way that the society is a living society and the artificial intelligence is merely an aid. Otherwise, Google may ask you to part with your heart and program your mind. What is brought
in front of your vision. The other vital organ of the body will become defunct. And you have to believe what is shown to you in front of you. These are the challenges which the management has to think from a different point of view. The purpose is how to coexist. Not only that, how to coexist, but how to exist in an inclusive way and how best we can manage the affairs of the society, the institutions, the future. So this challenge which has surfaced in front of you, maybe for necessities, because it is the necessity which is the mother of invention. There was a time when things were difficult to work on, लेकिन वो उस वक्त के हिसाब से आसान था. कल जैसे किसी से बात हो रही थी, गाड़ियों का शौक सबको है कि अब सब बैटरी की गाड़ियां जो है, ये दीज विल बी द मोस्ट प्रिफर्ड व्हीकल्स. फिर ये भी बात है कि अगर वो बैटरी पे चलती हैं गाड़ियां, तो बैटरी पे जिस वक्त उसकी एक लाइफ मान लीजिए 7 साल है, 7 साल के बाद वो बैटरी खराब हो जाती है. अगर उस गाड़ी को आपको चलाना है तो वो बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी. उस बैटरी की कॉस्ट इतनी है जितनी उसकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू नहीं है. वो बैटरीज जो खरीद के उस गाड़ी को हम दोबारा एक्टिवेट करेंगे, उसका क्या करेंगे? इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट है, आपके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, एनवायरनमेंट को देखना है. आज की तारीख में जिस वक्त आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आपके पास, एक एक बच्चे के पास आज की तारीख में 10-10 कपड़ों से ज्यादा कपड़े हैं, और घर में किसी को एक कपड़ा रखना नहीं आता. हम अपने जमाने में हॉस्टल में कपड़े धोते भी खुद थे, प्रेस भी खुद करते थे, और साफ सुथरा भी रखते थे. आज हमारे बच्चे जो हैं, उनके पास 10-10, 20-20 कपड़े मार्केट गए, रेडीमेड अवेलेबल है, वापस आ गए. बट नो चाइल्ड इज सो रिस्पॉन्सिबल दैट ही कैन ऑर्गेनाइज हिज क्लोथ्स. हम लोग खुद खाना बनाते थे, खुद बर्तन धोते थे, खुद कमरा साफ करते थे. आज की तारीख में आप, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको, अगर आपकी प्रायोरिटी में कोई और काम है, ये काम अपने आप हो रहे हैं तो आपको नहीं करने चाहिए. मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं कि आपके पास जो कपड़े आप पहनते हैं वो भी एक मैनेजमेंट का आप हिस्सा हो गए. आप लैपटॉप पे सब काम करते हैं, आपको उसकी पब्लिसिटी करने में, एक कागज पे जिस वक्त अभी कोई आदमी लिखता है वो कहीं गिर भी जाता है, वहां से कोई आदमी उठा लेता है, वो भी शिक्षा से लाभान्वित हो जाता है. लेकिन हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर हम डिजिटल एजुकेशन के मोड को ज्यादा पब्लिसिटी देंगे तो हमको ये देखना होगा. तो आपको अपने कंट्री को इस तरीके से मैनेजमेंट देना होगा कि इंटरनेट की सेवा फिर हर कॉर्नर में उपलब्ध होनी चाहिए. आपके साथ बैठ के आई फाइंड कि मेरा भी अब रिटायरल लाइफ जो है वो आइडल नहीं है. आपके साथ रहने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि नहीं, कल का सहारा हमारा आप हैं, और हर एक एक दूसरे का सहारा बन सकता है. और यही एक इंस्टीट्यूशन का योगदान है, और यही मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे एक दूसरे के साथ करेंगे. आज के इस कन्वोकेशन में
आप सब लोगों को डिग्री पाने की बहुत बहुत बधाई. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर फॉर इंस्पायरिंग आवर स्टूडेंट्स विद योर प्रोग्रेसिव थॉट्स येट रिमाइंडिंग देम टू नेवर लूज टच विद देयर रूट्स. ऑनरेबल जस्टिस मसूदी सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू नाउ डिक्लेयर द कॉन्वोकेशन क्लोज्ड. I declare the convocation closed.